अब वो जान लो जो नाना पाटेकर ने कहा है, काहे कि उनके कहे के कार्ड बनाकर लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करते हैं। तो नाना पाटेकर गोवा पहुंचे थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में शिरकत करने, वहीं बता दिया अपनी व्यू। उन्हीं के स्टाइल में पढ़ो, देखो इस कंट्रोवर्सी में हर कोई अपना हिसाब लगा रहा है। प्रसून जोशी इसलिए गुस्सा है कि पत्रकारों को फिल्म पास होने से पहले दिखा दी गई। भंसाली के पास अपना लॉजिक है, जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है। मेरी समझ में आता है कि फिल्म देखने के बाद लोग प्रोटेस्ट करें, बिना देखे क्रिटिसाइज करना समझ नहीं आता। ट्रेलर का सीन, क्योंकि फिल्म तो लटक गई है, कुछ महान लोगों ने दीपिका की नाक काटने, सिर काटने, भंसाली को जूते मारने और पता नहीं क्या क्या करने की धमकी दी है। इस पर नाना से पूछा गया तो उन्होंने भी वही बात बोली, लैंग्वेज भाई साहब इनकी बहुत गंदी है, अर्थात ये भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। फिल्म बनाने वाले को क्रिएटिविटी दिखाने की आज़ादी होती है। अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो ध्यान रखता हूँ कि किसी की भावनाएं आहत न हों, लेकिन फिल्म देखे बिना ऑब्जेक्शन करना बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसी तरह बाजीराव मस्तानी को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है, मैं किसी को मारने पीटने का सोच भी नहीं सकता, अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं सिर्फ कहूँगा वायलेंस ठीक चीज नहीं है, अगर मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता तो लेने का अधिकार नहीं है।